नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन जो है एक अहम दिन है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। कांग्रेस पार्टी ने अपना 139वां स्थापना दिवस जो है आज धूमधाम से मनाया है। देश भर के साथ साथ झारखंड में भी इसकी धूम देखी गई है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। इस दौरान जो है बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में वो जोश और उमंग जो है भरपूर देखा जा रहा था। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पे हम समस्त झारखंड वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देते हुए कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि इस पार्टी का जन्म हुआ था कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी और कैसे हम अंग्रेज़ों से, उनके कुशासन से मुक्त होंगे, और हमारे कांग्रेस के जो पूर्वज नेतागण रहे उनके बलिदानों से हमारा देश आज़ाद हुआ। स्वर्णिम इतिहास है, मैं डिटेल में ना जाते हुए इतना बताना चाहता हूँ कि झारखंड में एक एक घर में कांग्रेस की आवाज़ है, और इतनी पुरानी पार्टी विश्व में नहीं है, और आज भी मजबूती के साथ देश के हर कोने में कांग्रेस पाई जाती है। और जहाँ तक झारखंड के संदर्भ में बात है, आप देख रहे हैं अभी हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है, बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। पिछले 4 सालों में झारखंड में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे हेमंत सोरेन सरकार की ये रही है कि यहाँ पर विधि व्यवस्था और आपसी भाईचारा, सद्भावना, सभी धर्म समाज के लोगों के बीच में एक अच्छा माहौल बना हुआ है। शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग रह रहे हैं, कोई धर्म समाज और जाति के आधार पर समाज में कोई बंटवारा नहीं, कोई आपसी विद्वेष नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम जानते हैं कि सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो हेमंत सोरेन सरकार, हमारे गठबंधन की सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्री हैं सरकार में, सब लोगों का प्रयास है कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीब से गरीब जनता, आम जनता के बीच में इसका लाभ पहुंचे। और इसी के तहत सरकार आपकी द्वार की योजना लगातार चल रही है, और घर में जा करके योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमें आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। परिचय थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम शकील अहमद अंसारी हुआ, मैं रहने वाला बोकारो का हूँ, और कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस से पिछले 24 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए पार्टी ने मुझे आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, विशेष करके प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी का आभार प्रकट करता हूं, और उम्मीद दिलाता हूं कि आने वाले वर्षों में जो उम्मीद के साथ पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उस पर मैं खरा उतरूंगा, और पार्टी की आवाज़, जनता की आवाज़ पार्टी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाऊँगा। विरोधियों के ऊपर मैं आक्रामक रूप से मैं हमला करूँगा। आज हम लोग स्थापना दिवस मनाए हैं, और हम झारखंड को एक मजबूती कांग्रेस पार्टी की तरफ से देख रहे हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा महिलाएं दमखम के साथ काम कर रही हैं कि हम लोग लोकसभा इस बार जीत कर ही रहेंगे, और हम अपने झारखंड वासियों से यही शुभकामना देते हैं कि नया साल में खुशी खुशी नया साल बिताएं, और झारखंड में एक नया उज्वाला आए। 2024 में महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक होगी। हम महिलाएं एक होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नाम बताइए। मेरी तिरकी, महिला कांग्रेस ग्रामीण, जिला अध्यक्ष। आप क्या कहेंगे मैडम, मैं स्थापना दिवस मनाएंगे? आज तो बहुत अच्छे से मनाए हैं, और हम लोग को जिस टाइम झंडा फोड़न हुआ थे उस टाइम हम लोग यहीं थे, और हम लोग तन मन कांग्रेस पार्टी से है, और हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने चाहते हैं। और सोनिया गांधी, राजीव गांधी के आदेश है, और प्रियंका गांधी के आदेश है कि हाथ से हाथ मिलाकर चले, जितना महिला हम लोग के साथ संगठन जोड़े, और उसको लिए हम लोग आगे उसको प्रोसेस करेंगे। और हम लोग को चुनाव के टाइम में हम लोग किचन में ढुक कर सारे महिला को महंगाई के बारे में बताएंगी, ये क्या समस्या हुआ, GST के बारे में बताएंगी, झारखंड में क्या समस्या हुआ, और महिला के जो कारण है, और महिला के साथ हमेशा रहेंगी, और वोट का टाइमों भी रहेंगी, और विशेष हम लोग क्या बताएं, तन मन
धन के साथ 2024 में राहुल गांधी को हाथ मजबूत करके जीत कर दिखाएंगे। मेरा नाम पार्वती सिंह, प्रदेश महासचिव, और अभी मैं मेरे को प्रभारी बना गया पलामू का। सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामना देती हूँ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस एक विचारधारा है, सोच है, उसकी अपनी नीतियां हैं, तो झारखंड में चूंकि हमारी सरकार है तो आप समझ ही सकते हैं कि ये सरकार मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता का सहयोग प्यार मिल रहा है, और हम सभी बहुत उत्साहित होकर के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो है आने वाले 2024 में भी फिर सरकार में रहेगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अभी भाजपा से भी छोड़ छोड़ करके लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, और हम लोग करा रहे हैं। और झारखंड की मैं बात करूँगी कि झारखंड में हम लोग लोकसभा लीड करेंगे, कांग्रेस यहाँ से लीड करेगी। 39वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और दूसरी खुशी की बात यह भी है कि 14 जनवरी से हमारे राहुल गांधी जी का फिर से भारत जोड़ो यात्रा, अब जो हमारा नाम चेंज हो गया उनका, वो हम लोग क्या तैयारी कर चुके हैं, और हमारे राहुल गांधी जी का झारखंड में भी आगमन होना है, इससे हम बहुत उत्साहित हैं, हम तैयार हैं, और हमारा प्रोग्राम भी आज से नागपुर में स्टार्ट हो चुका है कि हम हैं तैयार। इसके साथ में ही मैं बधाई देना चाहूँगा फिर से दोबारा आप सभी लोगों को स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। तो झारखंड को किस तरह से देखते हैं इन 23 सालों का झारखंड हो गया है, और कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 23 साल में हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार जो रही, वो पूर्ण रूप से सरकार हमारी 4 साल रही, अभी 4 साल हो रहा है हमारा, जिसमें से अगर देखा जाए तो काम करने का मौका हम लोगों को 2 साल मिला, 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, जिसमें काम हम लोग कुछ जो भी योजनाएं बना के हम लोगों ने प्लान रखा था वो हो नहीं पाया, वो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अब 2 सालों में जो हमने उपलब्धि प्राप्त की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जो हमारा सरकार चल रहा है, गठबंधन की सरकार हमारी कांग्रेस की चल रही है, इसमें हम लोगों ने 2 साल में 4 साल का काम किया है, और ये दिख रहा है मार्केट में, बाज़ार में दिख रहा है, हमारे जनता के बीच दिख रहा है, जनता खुश है। आज जितनी नौकरी के नियुक्ति पत्र हमारे हेमंत सोरेन जी बांट रहे हैं, या जो अभी हमारा कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा हम लोगों को सफलता मिली है और मिल रही है, जिससे हम लोग डायरेक्टली जनता के घर तक पहुंच रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो किसी तरह का भी दिक्कत हो, वो उस पर हम लोग डायरेक्ट पहुंच रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं। सरकार के 4 साल पूरे भी हो रहे हैं? हाँ, सरकार के 4 साल पूरे हैं, इसके भी मैं उसमें भी बधाई आप लोगों को देना चाहूँगा, सबको बधाई देना चाहूँगा कि 4 साल पूरे हो रहे हैं, और आने वाले 2024 में 4 साल भी होंगे पूरे, 5 साल भी पूरे होंगे, और इंशाअल्लाह 2024 में फिर से हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री जी का ताज पहनेंगे। तो जिस तरह से आज प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है आने वाले दिन में जो है 2024 को लेकर भी जिस तरह से तैयारी में जुट चुकी है, तो आज स्थापना दिवस मनाकर जो है वो तैयारी को पुख्ता वो दर्शाने की कोशिश की है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना दिवस जिस तरह से मनाकर जो है कांग्रेस पार्टी ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी दमदार मौजूदगी जो है 2024 में भी पेश कर सकती है। रांची से दर्श न्यूज़ के लिए मोहन कुमार।